हेलो दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत। दोस्तों लगातार आपके रिक्वेस्ट आ रहे हैं एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं वैसे क्वेश्चंस लेके आइए सर। तो मेरा थोड़ा फिजिकल स्टैंडर्ड ठीक नहीं था, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए जो है आपके क्वेश्चन नहीं आ पा रहे थे। दोस्तों अब कंटिन्यू करने वाले हैं। 11 फरवरी 2019 को जो जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, कैसे आपके रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे आपके मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जीके कैसे क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं और हिंदी के कैसे क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, वही क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आगे 12-13 आगे भी जो आपके एग्जाम होंगे कंटिन्यू करेंगे। साथ साथ जो भी लोग आरपीएफ के लिए बोल रहे हैं उन सभी लोगों के लिए 2 तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं आरपीएफ का, मान 2 तारीख से, यानी कि कल से जो है 2 तारीख से लेकर कल तक का पूरा वीडियो आपको मैं प्रयास करूंगा देने का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 11 फरवरी 2019 एसएससी जीडी में कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो दोस्तों यहां पर बात करें पेपर के लेवल की, पेपर का लेवल जो है बहुत ही आसान है। क्वेश्चन सबसे पहले नंबर जो हमारे पास आया है दोस्तों, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था ये पूछा गया है। तो सोवियत संघ का विघटन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो 1990 से लेकर 1991, 25 दिसंबर 1991 के बीच में ये हुआ था, लेकिन यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन में दिया होगा 25 दिसंबर 1991, तो इसी को आप टिक करेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर 1991, ठीक है। सबसे बड़ी मूर्ति यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात कर रहा है ये, तो इसके बारे में क्वेश्चन आया था कि सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है या जो है स्टैचू कौन सी है, तो यहाँ पर जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी इससे क्वेश्चन था दोस्तों। हो सकता है कि ऐसा भी क्वेश्चन आपसे आगे बन जाए कि जो है ये किसकी प्रतिमा है और ये कहाँ पर है, तो आप सभी लोग इसका आंसर दे देंगे। आप सभी लोग जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बाद कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तो आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके मिक्स हैं और हो सकता है कि फर्स्ट सेकंड और भी आपके जो अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन ये पूछे गए होंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे छोटा राज्य है, तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का सबसे छोटा राज्य, इसमें कन्फर्म नहीं हो पा रहा है कि जो है जनसंख्या की दृष्टि से पूछा था कि जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आप सभी लोग जानते हैं गोवा हो जाएगा और जनसंख्या की दृष्टि से जो है सिक्किम हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग सभी लोगों से अनुरोध है कि जरूर जरूर बताएं कि जनसंख्या की दृष्टि से पूछा था 11 तारीख का है कि जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछता है तो गोवा हो जाएगा, जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम हो जाएगा। मिस वर्ल्ड 2017 के बारे में पूछा था कि ये कौन थी, तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों मानुषी चिल्लर हैं, मानुषी जी हैं, और इनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो है आगे आपका जो शिफ्ट में या आगे जो है एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है एसएससी जीडी में ही कि ये कहाँ से जो है संबंध रखती हैं, तो ये हरियाणा की हैं दोस्तों, हरियाणा, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, 2017 मिस वर्ल्ड मानुषी चिल्लर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था दोस्तों, जीएसटी का फुल फॉर्म जो हमारे पास आया है, जीएसटी का पूरा नाम आपको बताना था दोस्तों, तो आप सभी लोग जानते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यही है जीएसटी का फुल फॉर्म, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, नमक का सूत्र जो है फॉर्मूला पूछा था, तो एनएससीएल, इसमें याद भी करने की कोई चीज नहीं है, एनएससीएल जो है नमक का सूत्र है, फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों बात करेंगे बहुत ही फेवरेट जो क्वेश्चन है इस समय जो पूछा जा रहा है 2-3 सालों से, तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी के बारे में बात कर रहे हैं। लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रेलवे में भी पूछा गया है और आगे भी जो आपके एग्जाम आने वाले हैं उसमें पूछा जा सकता है। शरीर की सबसे जो लंबी हड्डी है दोस्तों, तो आप जानते हैं उसका नाम फीमर है, फीमर, ठीक है, जिसको जांग की हड्डी भी बोलते हैं, और अगर छोटी हड्डी की यहीं पे बात कर लें तो स्टेपीज या स्टेप्स भी बोलते हैं, स्टेप या आपको स्टेपीज भी देखने को मिल जाएगा हिंदी में अगर लिखा होगा तो वो कान की हड्डी होती है दोस्तों, कान की हड्डी, तो ये आगे आ सकता है, ठीक है, छोटा। और पूछा जो गया था आपसे फीमर, सबसे लंबी हड्डी के बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था दोस्तों कि 500 और 1000 के जो नोट बंद हुए थे ये कब हुए थे, तो
तो दोस्तों ये हुए थे आपके 8 नवंबर, 8 नवंबर 2016 को। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, 8 नवंबर 2016 बहुत सारे लोगों को याद होगा, और 500 और 1000 के नोट इस समय आपके बंद किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आया है कि मानवाधिकार जो आयोग है इसका गठन के बारे में कुछ क्वेश्चन था। तो इसकी अगर अधिनियम पूछता है तो आप सभी लोग जानते हैं कि अधिनियम जो है उसका नाम जो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, और इसी से आप याद भी रखिए जो है अक्टूबर 1993, अगर मंथ करके भी आ सकता है तो अक्टूबर 1993 जो है इसमें इसका जो है गठन हुआ है मानवाधिकार आयोग का। ठीक है, अधिनियम की बात करेगा तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है वो है 1993। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था दोस्तों, योजना आयोग का गठन, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पक्का ये आपके आगे भी आने वाले हैं। ठीक है, तो योजना आयोग का गठन के बारे में पूछा था। तो योजना आयोग का गठन दोस्तों 15 मार्च 1950 में हुआ था, और अभी जो योजना आयोग है वो अब क्या हो गया है, नीति आयोग हो गया है दोस्तों। और इसका नाम कब चेंज हुआ है यानी कब बदला है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आगे नीति आयोग से क्वेश्चन बन सकता है कि नीति आयोग का जो है जो अभी जो बदला गया है वो कब किया गया है। तो ये आपका है दोस्तों 17 अगस्त 2014। ठीक है, 17 अगस्त 2014 को जो है नीति आयोग का मैं बता रहा हूँ। योजना आयोग की बात करें तो 15 मार्च 1950, तो नीति आयोग 17 अगस्त 2014, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर सकता है और पक्का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है आगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो और लास्ट हमारे पास क्वेश्चन जीके से संबंधित जो है वो है, आगे देखेंगे मैथ और रीजनिंग में और हिंदी में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं 11 तारीख को। तो लास्ट जो क्वेश्चन है जीके में, मनरेगा योजना से संबंधित कुछ क्वेश्चन था दोस्तों कि मनरेगा योजना कब शुरू की गई या कब जो है लागू की गई इसके बारे में। तो दोस्तों जो है इसका समय की बात करें तो 2 अक्टूबर 2005 में जो है दोस्तों ये शुरू की गई, और तब उसका नाम जो था वो दोस्तों था नरेगा, 100 रुपये डेली वाला जो है वही है योजना, ये तब उसका नाम था नरेगा, और जो है इसका नाम बदलकर जो है मनरेगा जो कर दिया गया है 2009 में, और ये 2 अक्टूबर ही है। तो याद आपको क्या करना है, 2 अक्टूबर 2005 ये नरेगा से स्टार्ट हुई थी, और 2 अक्टूबर 2009 में जो है मनरेगा। तो जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे वो आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन आए वैसा आप जवाब देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे रीजनिंग में और मैथ में, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और हिंदी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही आसान दोस्तों जो है कोडिंग डिकोडिंग से आपका क्वेश्चन आ रहा है। और बात करें दोस्तों नंबर सिस्टम से, नंबर सिस्टम से भी आपका क्वेश्चन आ रहा है, और अगर बात करें सीरीज से तो सीरीज से भी एक से दो क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप मान लीजिए जरूर से जरूर आ रहा है। सिलॉग यानी कि जो कथन निष्कर्ष वाला है, कथन निष्कर्ष मैंने बहुत सारे आपके वीडियोस आपको दे रखे हैं, कथन निष्कर्ष वाले जो आपके क्वेश्चन है सिलॉग जिसको बोलते हैं, सिलॉग से दोस्तों जो है आपका लगभग दो क्वेश्चन जरूर से जरूर आ रहा है, जैसा कि बच्चे बता रहे हैं। और एनालॉगी की बात करें, एनालॉग से जो है इससे भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन जरूर से जरूर आ रहे हैं। दर्पण यानी कि दर्पण प्रतिबिंब जो है दोस्तों इससे आपके क्वेश्चन जो बन रहे हैं 1 से 2 क्वेश्चन इसमें भी बन रहे हैं। सिटिंग से बात करें तो सिटिंग से भी जो है पंक्ति में ये बैठा रहे हैं तो सिटिंग से जो है आपका क्वेश्चन बन रहा है, इससे भी आप 1 से 2 क्वेश्चन, आप समझ लीजिए 2 क्वेश्चन लगभग में आ रहे हैं। मैथ की बात करें दोस्तों तो प्रॉफिट एंड लॉस से जो है क्वेश्चन आपके बन रहे हैं 2 क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क की बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन 2 से लेकर 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। रेशियो की बात करें दोस्तों तो रेशियो से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं।
प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों। प्रतिशत जो है मिक्स कर दिया जा रहा है रेशियो में लेकर या औसत में लेकर, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। एवरेज की भी वही मैं बात कर रहा था कि मिक्स कर दिया जा रहा है इन सभी को। आगे बात करें दोस्तों एसआई और सीआई की, तो एसआई सीआई में भी हमें पता चला है 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। और पाई चार्ट एक पूछा जा रहा है, इसमें भी प्रतिशत करके कुछ यूज़ कर रहे हैं, इसमें भी 2 से लेकर 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पाई चार्ट से। हो सकता है कि आपका जो है आपको लाइन या कुछ ग्राफ अलग करके ऐसा कुछ बना दे या कुछ अलग तरीके का है, लेकिन बहुत ही आसान रह रहा है दोस्तों। आपको देखते ही समझ में आ जाएगा क्या करना है। प्रतिशत और एवरेज या फिर जोड़ घटाओ करके डिफरेंस निकाल के ही बताना रह रहा है, लाभ हानि करके बताना रह रहा है। बस यही क्वेश्चन संबंधित जो है आपके पाई चार्ट से पूछे जा रहे हैं। ज़्यादा जो है दूर दूर के क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं कि जो है इसका इसका संबंध निकाल के फिर उसके बाद इसमें से आपको एवरेज घटाना पड़ेगा या कुछ ऐसा करना पड़ेगा, इतना लंबा नहीं दे रहा है। प्रॉफिट लॉस करके या प्रतिशत के हिसाब से आपको बताना रह रहा है, इतना ही आपको क्वेश्चन में इसमें पूछे जा रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं जो है चार्ट से। बात करें मेंसुरेशन से तो 1 से लेकर 2 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो मेंसुरेशन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, मेंसुरेशन से 1 से लेकर 2 क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं 1 क्वेश्चन पूछे जा रहा है, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन से भी पूछे जा रहे हैं। बात करें हिंदी की, तो हिंदी में जो है वो बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हिंदी आप सभी लोग जानते हैं, हिंदी इंग्लिश में से चॉइस करना था, तो हिंदी बहुत सारे लोग जो है इंग्लिश भी चॉइस किए होंगे। हिंदी में बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो है मुहावरा एक क्वेश्चन पूछा गया है, अंधे के हाथ लगा बटेर, और जो है विलोम से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं 2-3 क्वेश्चन, जैसा कि हिंदी में पूछा जाता है दोस्तों। और जो है पर्यायवाची यानी कि पर्याय पूछा था, साइनोनिम्स जिसको बोलते हैं आप सभी लोग, तो अर्जुन का पूछा था जहाँ तक जो है सुनने को मिल रहा है कि बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि अर्जुन का पर्यायवाची आपको बताना था। त्रुटि से संबंधित जो वर्तनी बोला जाता है उसमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ज़्यादा इसमें जो है हार्ड क्वेश्चन नहीं है, जो है संधि उंधि से क्वेश्चन नहीं है हिंदी में। लाइन जो गलत आपकी दे दी जाती है, 4 लाइन दे दिया गया जिसमें था है ऐसे रहा है ऐसे करके जो है आपकी गलतियां पहचाननी होती है सेंटेंस की, तो वैसा कुछ आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ज़्यादा इसमें जो है आपके हार्ड हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हिंदी में, बहुत ही सिंपल हिंदी आ रही है और जो है माइनस मार्किंग नहीं है। तो यहाँ पर अटेम्प्ट की बात कर लें तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर जरूर बताइएगा कि आपने कितना अटेम्प्ट किया था और सेफ स्कोर क्या हो सकता है। साथ साथ मैं बता दूं जिन भी लोगों ने 100 में 100 किया है बहुत अच्छा किया है, यहाँ पर छोड़ने की कोई बात नहीं है क्योंकि जो है माइनस मार्किंग नहीं है। तो आप पूरा का पूरा जो है अटेम्प्ट करके आइए, शायद आपके क्वेश्चन अधिक से अधिक सही हो सके। तो मैं सभी लोगों से सजेशन सभी लोगों को दूंगा कि जो है आप सभी लोग 100 में 100 करके आए क्योंकि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पूछे गए एसएससी जीडी एग्जाम में 11 फरवरी 2019 में जीके के प्रश्न हमने देखा, साथ साथ मैंने आपको बताया रीजनिंग मैथ और हिंदी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास हमारे वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए। साथ साथ अगर आपने देखो सीखो स्टडी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड का बटन है सब्सक्राइब और बगल में बेल आइकन है दोस्तों, देखो सीखो स्टडी जो सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहे। देखते रहिए देखो सीखो स्टडी, मिलते हैं वीडियो में, धन्यवाद।